तो हे वेलकम बैक फ्रेंड टू एपिसोड। तो गाइज आज हम लोग करने वाले हैं एक गेमिंग माउस का रिव्यू। चलिए गाइज पैकेज को आप ओपन करते हैं। ये जिधर से खुलेगा फाड़ चुका है मैंने पहले से। ये रहा अपना डब्बा, गाइज देखते हैं आगे क्या है। और ये रहा अपना बिलिंग पेपर, इसे कोई काम का नहीं है। गाइज अब डब्बा ओपन करते हैं। किधर से ओपन होगा गाइज? ऊपर से होगा, यहाँ पर टेप है, इसको निकालते हैं। और एक साइड का निकल गया और ये दूसरे साइड का भी निकल जाएगा। अभी निकल जा, निकल जा। हाँ हाँ निकल गया, निकल गया गाइज। अब डब्बा खुलने वाला है, खुलने वाला है। और ये खुल गया गाइज, देखते हैं इसके अंदर क्या है। अबे भाई साहब खुल भी जा। चलो भाई खुल गया। और इसके अंदर ये रहा अपना माउस, इसको रखते हैं साइड में। अंदर देखते हैं क्या है गाइज। ये रहा अपना व्हाट्सअप, व्हाट्सअप का लेफ्ट साइड वाला जो क्यू आर कोड है वो रहा व्हाट्सअप। ये इसका कोई काम नहीं है मेरे को, इसको हटा देते हैं। अब गाइज माउस खोलते हैं। ये रहा माउस अपना, गाइज देख सकते हो की फिनिशिंग कितनी अच्छी है। तो गाइज ये रहा अपना पुराना माउस। गाइज ये पहले वायर्ड था लेकिन इसको वायरलेस बना दिया गया है, अब देख सकते हैं। और अपना पुराना, और ये रहा अपना माउस। गाइज देख सकते हैं इसका वायर कैसा है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। गाइज ये रहा अपना लेफ्ट बटन और ये राइट बटन है। और गाइज इसका लाइट तो काफ़ी अच्छा है, RGB है इसमें। और ये रहा अपना डीपीए का बटन, नीचे से लो होगा ऊपर से हाई होगा। और इसका कलर कोई भी सेट नहीं है, आप ऊपर करेंगे तो चेंज होता जाएगा, मतलब अपना से कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। डीपीए के साथ फिक्स है ये, देखो गाइज जैसे डीपीए चेंज हो रहा है वैसे चेंज होता जा रहा है। गाइज आपको अगर इसका गेमिंग भी चाहिए होगा तो ज़रूर से कमेंट करना है। तब तक के लिए इतना ही।